भूषण ज्वेलर्स। विकास खंड सुजानपुर के अंतर्गत आने वाली पंचायतों में मनरेगा मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है, जिसके चलते गरीब मजदूर दिहाड़ीदार मनरेगा मजदूर सोमवार को अपनी समस्या को लेकर खंड विकास अधिकारी से मिले हैं और उन्हें एक मांग पत्र सौंपा। दिए गए अपने मांग पत्र में मनरेगा मजदूरों ने कहा है कि सरकार जिला परिषद कर्मचारियों की जो हड़ताल चल रही है उसे खत्म करे ताकि पंचायत में विकास कार्य शुरू हो सके। वर्तमान में हम लोगों को दो तरफा मार झेलनी पड़ रही है, एक तो हमें रोजगार नहीं मिल रहा, वहीं दूसरी तरफ आपदा के कारण जो हम लोगों का नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई नहीं हो रही है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने भवन निर्माण सामग्री स्टोन क्रशर पर अभी रोक लगा रखी है, जिसके चलते पंचायतों में विकास कार्य ठप पड़े हैं। कुछ एक कार्य जो लगे थे वह भी बंद पड़े हैं, जिसका कारण पंचायतों में कर्मचारियों की हड़ताल चली है। बीते 10 दिनों से तमाम कर्मचारी कर्म छोड़ हड़ताल पर बैठे हैं। ऐसे में गरीब मजदूर जो मनरेगा में दिहाड़ी लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, उन्हें रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं। संबंधित विषय पर पंचायत दाड़ला भलेहट के तमाम मनरेगा मजदूर महिलाएं पुरुष सोमवार को खंड विकास अधिकारी से मिले हैं और अपने लिए रोजगार की मांग की है। हम दाड़ला पंचायत से आए हैं, हमें काम नहीं मिल रहा है, जैसा की हड़ताल चल रही है, पूरा हड़ताल को खोला जाए और हमें काम दिया जाए। हम बहुत गरीब हैं, हमें रोजगार चाहिए, हमने लेटर दिया है बीडी साहब को, हमारे काम लेना चाहिए और हमारी सुनाई कर नहीं जाए। हम बहुत गरीब हैं, हमारे 8-9 महीने हो गए, हमें काम नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। उधर पंचायत प्रतिनिधियों, प्रधान, उप प्रधान एवं वार्ड सदस्यों ने जिला परिषद कर्मियों की हड़ताल का समर्थन किया है। प्रधान अनिल शर्मा सहित तमाम प्रतिनिधियों ने एक स्वर में कहा है कि सरकार ने जो पंचायत चौकीदारों और सिलाई अध्यापिकाओं को पंचायत सचिवों का काम देने का तुगलकी फरमान जारी किया है, उसे स्वीकार नहीं किया जा रहा है। जिला परिषद के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों द्वारा पेंडाउन स्ट्राइक की गई है। समस्त जो सुजानपुर खंड के प्रधान हैं इनका समर्थन करते हैं, क्योंकि जो सरकार से और मांग करते हैं कि जो इनकी मांगें हैं उन पर जल्दी से जल्दी सहानुभूतिपूर्वक विचार करके जो है इनकी मांगों को पूरा किया जाए, ताकि जो डेवलपमेंट के काम हैं जो पंचायतों में पूरी तरह से ठप पड़े हैं, सचिवों के ना होने से और दूसरे कर्मचारियों के ना होने से पंचायत के जितने भी कार्य हैं वो ठप पड़े हैं, पर जहां जन्म मृत्यु और इसका परिवार नकल का जो संबंधित काम है वो भी रुके पड़े हैं। और जो सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी किया है जिसमें चौकीदारों को इसका चार्ज देने के लिए कहा गया है सचिवों का, वो बिल्कुल बेतुका है, क्योंकि संविधान से चुने हुए प्रधानों के लिए चौकीदारों को सचिव की पावर्स देना, ये हमें इसमें हम इसका विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं, क्योंकि आपदा ही हुई है और आपदा के समय लोगों की जहां डेवलपमेंट के काम है, कहीं दंगा जो है वो गिरे हैं, रास्ते बनाने को हैं, तो तुरंत से तुरंत इनकी जो समस्याएं हैं उनको सुनकर उनके ऊपर विचार करके उनको पूरा करने का हम समर्थन करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जल्दी करें ताकि डेवलपमेंट के काम जो हैं वो पूर्ण हो और इन लोगों को भी मान सम्मान मिले और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनका भी मान सम्मान बहाल रहे। सुजानपुर से गौरव जैन की रिपोर्ट।